नहीं, कहीं से तलवार नहीं, कहीं से चक्कर नहीं। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण भी परिवार में दुख है, या तो परिवार में दुख है, दुख दोनों में है, दुख है। तो भी आप नाराज लग रहे हैं? ये कुछ क्यों नहीं, दोनों परिवार से मिल रहे, दोनों परिवार से मिलना चाहिए। मिल रहा है, बोलिए मिले है भैया हमारे किस भगवान नहीं मारे तो सबसे मिलता है दोनों परिवार से। जो ब्राह्मण लोग फरसा लहरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लोग ज्यादा लोगों को काट दिया जाएगा, गाली दे रहे हैं, ये क्या, ये सही अगर है? कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग उसके योगी जी ईमानदारी से काम करते हुए 15 अफसरों को यहाँ से तबादला कर दिया। योगी जी कहाँ से ईमानदारी कर रहे हैं? योगी जी का संगठन कहाँ से कर रहा है? योगी जी, योगी जी आज तक कहाँ सोए हुए थे? योगी जी आज तक कहाँ सोए हुए थे? जो छछा हत्या हो गया उसके बाद ना अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसके पहले कहाँ मुख्यमंत्री जी कहाँ सो गए थे? कहाँ मुख्यमंत्री जी से आता? आप इतना मुख्यमंत्री से जलन क्यों रख रहे हैं? जलन की बात नहीं है, नहीं जलन की बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी आज तक कहाँ सोए थे माफ से पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जब अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो अधिकार कर रहे थे आज तक प्रशासन, आज तक प्रशासन घर जाने के बाद कर रही होता है, गुस्सा बने कहां सो रहते हैं? ऐसे ही होता है, ऐसे होगा अगर अधिकारी गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी। राम राज में ही होता है, यूबीसी एसटी एससी हिंदू नहीं है, नहीं है, हटा दिया जाए, क्योंकि हम लोग के हिंदू नहीं है, नहीं है, तभी तो नहीं है, तभी तो कांड हो रहा है। ब्राह्मणों का कहना है या तो हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मणों का कहना है। कौन है आप ही बता दीजिए, हिंदू कौन है? हिंदू ब्राह्मण कह रहे हैं, हिंदू है जो कह रहा है, हिंदू नहीं है उससे पूछिए, ब्राह्मण हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है। आइए क्या बता रहा है हिंदू, देखिए जहाँ हिंदू की बात कर रहे हैं तो आज से साबित हो गया है कि केवल हिंदू केवल ब्राह्मण जी लोग हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं है। यहाँ राम और भगवान को मानने वाले लोग वही हम लोग नहीं मानते हैं, मतलब वही मान रहे हैं, नहीं उनका कहना है, भाजपा वाले लोगों का कहना है कि केवल हिंदू हम ही लोग हैं। हो सकता है भाजपा के राम अलग हो। अरे भैया ऐसा कैसा कि भाजपा के राम अलग हो? भाजपा तो वही राम है, हमारे राम वही है। लास्ट में जाते जाते आप लोग बताइए क्या चाहते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिले? हम लोग यही चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यही चाहते हैं दोनों पक्षों की न्याय, दोनों पक्षों को न्याय मिले, दोनों पक्षों को न्याय मिले। चलिए, ए भैया क्या नाम था आपका? मेरा नाम रितेश यादव है। आपका क्या? बजरंगी यादव। प्रदीप नाम है। ओम प्रकाश यादव। चलिए, ये सभी लोग यादव हैं, अपनी बात को रखे हैं और इन लोगों को मानना है, कहना है कि जो भी पीड़ित है उन पीड़ित को न्याय मिले और सीबीआई जांच धीरे धीरे न होगा? धीरे धीरे आप मीडिया वाला धीरे धीरे कराइए। जब घरवा गिर जाएगा तब सीबीआई जांच होगा, आप बताइए जब घरवा गिर जाएगा तब होगा? अरे आप ही नहीं, आप घरवा गिराने कार्य प्रगति पे, घरवा गिराने का मुख्यमंत्री जी कार्य प्रगति कर चुके हैं, नोटिस छपका हुआ है, सीबीआई जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि यहाँ पर सीबीआई जांच बैठाए, हाँ सीबीआई जांच हो तभी दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच होगा, गुस्सा तो नहीं है? योगी 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिए तो भी आप नाराज लग रहे हैं? तो योगी जी क्यों नहीं, दोनों परिवार से मिल रहे, दोनों परिवार से मिलना चाहिए। मिल रहा है, बोलिए। जो ब्राह्मण लोग फरसा लहरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लोग ज्यादा लोगों को काट दिया जाएगा, गाली दे रहे हैं, ये क्या, ये सही है? कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग उसके मिले हैं भैया हमारे किस भगवान नहीं मारे तो सबसे मिलता है दोनों परिवार से। भैया हमारे आज बड़े भगवान है, हाँ मैं किस भगवान हूँ? यादव के वंश में हूँ, यादव के वंश पूरा जातिया के वंश में हूँ, पूरा जातिया के वंश में हूँ, बस एक एक जाति से मिले वाला आदमी नहीं हूँ। जाने चलो दोनों जाने, बताइए। देखिए भैया, एक नेता के ये लोग भगवान मान रहे हैं, हाँ मैं किस भगवान हूँ? प्रेमचंद यादव कौन है? आप तो भैया सुदर्शन चक्कर चलाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे नहीं बात करेंगे। हमें तो लगता है गोदी में हम नहीं, एक मिनट, हमें तो लगता है गोदी मीडिया वाले हैं। भैया आप गोदी मीडिया वाले हैं, फरसा चलाएंगे? फरसा नहीं, आप गोदी मीडिया वाले हैं, चक्कर चलाएंगे? चक्कर चला, आप गोदी मीडिया वाले हैं। मुझे लगता है गलत है।
नहीं, कहीं से तलवार नहीं, कहीं से चक्कर नहीं। देखिए ब्राह्मण भी परिवार में दुख है, यादव परिवार में दुख है, दुख दोनों में है, दुख है। सुनिए 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 सुनिए, आप लोग सुनिए, आप लोग सुनिए, आप लोग भाई है सुनिए, आप लोग भाई है सुनिए, उसके उसके खिलाफ तारीफ दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्रवाई कहाँ होगी भैया, कानून पे कहाँ भरोसा है? आज तक कानून कहाँ था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कानून कहाँ था आज तक? आपके नेता कानून नहीं तोड़ रहे हैं। नेताजी मेरे आए हैं, दोनों दोनों परिवारों से मिले हैं। माननीय योगी जी आए थे, जो जो हॉस्पिटल से के छोटा सा बच्चा से मिलकर वापस चले गए। बताइए आप भी बताइए, ये तो जातिवाद कर, ये कहाँ के नेता है, कहाँ से नेता है? उनको उनको एक मिनट में उनको उनको सभी जाति ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है। खाली खाली बस पंडित ने वोट देकर नहीं, योगी जी को बनाया है। एक मिनट रुकिए। तो आप लोगों ने देखा, ये भैया अपनी अपनी बात को रखे, इन लोगों का दुख है। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बात को लेकर? बहुत ही ये लोग भी उग्र हैं। भैया हम कहेंगे आप लोग उग्र मत होइए, शांति से अपनी न्याय को मांग करिए। आपके नेताजी आए हैं, कृष्ण भगवान, आप भगवान मानिए चाहे राम मानिए, मुझे भगवान। तो बस इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।